कि मैं यहां पे दिया रेंज A1। अब रेंज A1 क्या हुआ, दैट्स ऑब्जेक्ट। अब इस पे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो कॉपी क्या हुआ, एक्शन हुआ। तो यहां डॉट देके कॉपी लिखना है, समझ गए। डॉट कहां लगेगा, समझ में आया सर, डॉट कहां लगेगा। हाँ, एक्शन जो एक्शन होगा उसका। एक्शन, एक्शन ठीक है, या ऑब्जेक्ट या मेंबर कर लीजिए आप। जैसे कि मैंने लिखा रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल कर दिया। तो पेस्ट स्पेशल क्या है, एक्शन है, और लेकिन पेस्ट स्पेशल के डिटेल है कि भाई एक्शन वैल्यू करना है या पेस्ट आपको फॉर्मूला करना है या फॉर्मेटिंग करना है। तो पेस्ट स्पेशल के कई सारे पार्ट है। ऊपर कॉपी मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बस कॉपी कॉपी होता है। बट पेस्ट स्पेशल में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो स्पेस मारोगे तो आपको पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जब आप मेंबर अप्लाई करते हो या एक्शन अप्लाई करते हो, एक्शन के अंदर में एक स्पेसिफिक डिटेल देनी होती है, तो स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, समझे। एंड इक्वल का इस्तेमाल कब करते हाँ हैं, सर, कि जैसे मैंने दिया रेंज A1, यहां पे A1 डॉट वैल्यू। अब वैल्यू सर्च कर रहा हूं, तो वैल्यू पे हैंड का निशान बना है, मतलब कि वैल्यू जो है रेंज की प्रॉपर्टी है। क्या है, रेंज की प्रॉपर्टी। तो उस केस में हम स्पेस नहीं इक्वल देंगे। यू अंडरस्टैंड कि डॉट स्पेस एंड इक्वल कब अप्लाई करना है। समझ में आ गया। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था हाउ कैन राइट द माइक्रो, मैक्रो के लिए राइट करने के लिए क्या कंसेप्ट है, कहां राइट करेंगे, पब्लिक और पर्सनल माइक्रो क्या होता है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि वर्कबुक ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज किया जाता है, सीट का ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज किया जाता है। देन फाइनली तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा रेंज का है। हमने बताया था कि चार ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक, सीट्स एंड रेंज। एप्लीकेशन को हमने होल्ड कर दिया, वर्कबुक को हमने पढ़ा, शीट्स को हमने पढ़ा, और नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम रेंज जो भी एक्शन में काम करते हैं वो पर्टिकुलर रेंज पे ही करते हैं। सो रेंज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेंज किसी पर्टिकुलर सेल जो है हमारा, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। तो रेंज को कॉल करने का तरीका है कि रेंज और यहां पे रेफरेंस अल्फा न्यूमेरिक जो आपका नॉर्मली एक्सेल में होता है एक को। अब एक से ज्यादा रेंज है, या दूसरा तरीका था हमारा सेल का, सेल्स 1,1.select। ये आपका R1 C1 रेफरेंस स्टाइल है, रो एंड कॉलम को नंबर में हम इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथड। अब सिलेक्शन मेथड आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन मेथड को नहीं समझोगे तब तक आप जो है एक्सेल में कुछ नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन मेथड इज द इंपॉर्टेंट पार्ट
फॉर वीवीए, क्योंकि जब तक डेटा को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ना पीवट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनीवेयर एनी ऑप्शंस, कॉपी पेस्ट हर चीज अप्लाई होता है आफ्टर द सिलेक्शन। सो सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो इस डेटा को सिलेक्ट करने का क्या रोल है? तो A1 से लेके E14 तक का रेंज है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहां पे रेंज A1 से लेके E14 डॉट सेलेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं रेंज A1 कॉमा E14, E14 डॉट सेलेक्ट। तो ये जो हुआ मेथड एक्सेल का मैनुअल मेथड हुआ, ये हमारा वीवीए का मेथड हुआ। मतलब कि वीवीए कहता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये क्या करेगा कि यहां पे क्लिक करेगा और शिफ्ट के साथ यहां पे क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट कर देगा, और वीवीए में इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो एक एरिया को सिलेक्ट करने का ऑप्शन ये आपका ये है कि आप A1 से E14 जैसे एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वहां पे लिखें, या फिर A1 से E14 आप यहां पे इस्तेमाल कर। दो स्टेप है, लेकिन अगर मुझे मल्टी अगर सेल और भी डेटा क्या ऐड करना है तो, क्या और बोल रहे? भी डेटा इसमें ऐड करना है तो मेरे E14 से, E14 पे और भी डेटा अगर ऐड करना है, मतलब सर मैं अनलिमिटेड, आपको मतलब सिलेक्शन मेथड बता रहा हूं, दिस इज सिलेक्शन मेथड, राइट? तो पहले सिलेक्ट करना सीखेंगे, तभी तो डेटा ऐड कॉपी पेस्ट बाकी चीज सीखेंगे, समझ गए? तो पहले सिलेक्ट करना सीखें, बाद में मैं बाकी चीज बताऊंगा आपको। तो सिलेक्शन करने का दो मेथड है, पहला एक्सेल का मैनुअल मेथड, दूसरा वीवीए मेथड। अब तीसरा एक होता है कि हम लोग मल्टी सेल सिलेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल लाल के इसे सिलेक्ट करते हैं कि हमने कंट्रोल प्रेस किया, ए को सिलेक्ट कर लिया, हमने सी को सिलेक्ट कर लिया और हमने ई को सिलेक्ट कर लिया। तो ए सी और ई तीन सेल हमारा सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे एक्सेल में मल्टी सेल सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो एक्सेल में मल्टी सेल सिलेक्ट करने का आपका ऑप्शन है कि A1 यहां पे कॉमा C1 कॉमा E1, इस तरह से जितने भी रेंज है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा कॉमा करके कर लिखें तो आपका पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेगा, जो 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 मिसेल वैल्यूज के अंदर डली होगी उसको सिलेक्ट। तो सिलेक्शन के तीन मेथड है, मैनुअल सिलेक्शंस, वीवी सिलेक्शन और अ मल्टी सेल सिलेक्शन। लेकिन ये सारी चीज काम करेगी सिर्फ आपकी एक्टिव सीट पे। मान लीजिए सीट 3 में है तो उस केस में आप सीट 3 का ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि सीट 3 का एक एरिया सिलेक्ट हो A1 से D7। तो मुझे यहां पहले सीट यहां पे सीट 3 को एक्टिवेट करना होगा। तो सीट 3 को कॉलिंग मेथड जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको आप इस्तेमाल करें, और सीट 3 और डॉट एक्टिवेट या सेलेक्ट दोनों एक ही है करें। उसके बाद आप यहां पे रेंज A1 से D7 या जो भी आपका है उसका इस्तेमाल करें, डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो भी एक्टिव फाइल है उसके पहले वो सीट 3 में जाएगा और फिर A1 से D7 को सिलेक्ट। बट आपकी फाइल अगर किसी अनोदर शीट पे है, तो अनोदर फाइल पे है, जैसे कि
दूसरा फाइल है आपका, ये आपका मान लीजिए बुक थ्री है, मुझे बुक थ्री के सीट वन के ए वन से डी सेवन को सिलेक्ट करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इस यहां पे एक कोड तो होगा ही होगा, यहां लिखेंगे वर्क बुक्स बुक थ्री डॉट एक्सएलएस एम डॉट एक्टिवेट और सीट वन डॉट सिलेक्ट और सिलेक्ट, बट बुक थ्री ओपन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बुक थ्री ओपन नहीं है तो फिर आपको यहां पे लिखना होगा कि वर्क बुक्स डॉट ओपन और उसके बाद लोकेशन स्लैश जो भी उसका सेल लोकेशन, आप लोकेशन मत लिख दीजिएगा, उसका जो भी फाइल का लोकेशन है प्लस इसमें बुक थ्री डॉट एक्सएलएस एम या एक्सएलएस जो भी एक्सटेंशन है वो आप देंगे, समझे। तो अगर आपको एक्टिव सीट पे करना है तो यू कैन अप्लाई दिस टाइप ऑफ, ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आपका एक्टिव फाइल के किसी अनदर शीट का डेटा को सिलेक्ट करना है तो इसमें डाले या फिर ये मेथड, दोनों में से कोई मेथड डाल के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों मेथड काम करेगा, ऐसा नहीं है कि से सीट फाइल में ये मेथड ऐसा ये मेथड काम नहीं करेगा, तीनों मेथड काम करेगा, लेकिन अनदर शीट होगा तो सीट पे जाकर फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अनदर फाइल हुआ तो फाइल अगर ओपन है तो एक कोड अप्लाई होगा, अगर ओपन नहीं है तो फिर आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। जब आप फाइल ओपन कर लेंगे तो फिर इस कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो फाइल ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है। तो सिलेक्शन मेथड समझ में आया, मैनुअल सिलेक्शन मेथड, किसी को डाउट है। नहीं सर, अगर कोई वर्कबुक अगर ओपन नहीं है तो ये वाला ऊपर वाला वर्कबुक डॉट ओपन कर करना पड़ेगा, लो उसका लोकेशन देना पड़ेगा। तो बताए मैं आपको, शाला जी कोई डाउट आपको, जी भाई। ये हो गई मैनुअल सिलेक्शंस। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शंस की, मतलब कि हमें नहीं पता कि मेरा रेंज कितना है, समझे, हमें नहीं पता कि मेरा रेंज जो है वो कितना है, ठीक है। मेरा रेंज जो है वो बढ़ता घटता रहता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, पहला पोजीशन क्या करते हैं, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए जो होता है करंट रीजन होता है, कंट्रोल जी में जाके स्पेशल और ए आपका करंट रीजन होता है। तो उसकी कोड आप यहां लिखेंगे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ये आपका कंट्रोल ए कर देगा। पर कंट्रोल ए में एक नुकसान होता है, जैसे कि इस तरह के अगर कोई चीज इस तरह से लिखा है तो कंट्रोल ए उसको भी सेलेक्ट कर लेता है, तो मुझे ए नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है, इसमें बाद में आता हूं, उससे पहले मैं कर्सर मूव करने का तरीका बताता हूं। जैसे मैं कर्सर A1 पे है तो हम लोग कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो उससे लास्ट में आ जाते हैं, राइट एरो प्रेस करते हैं तो राइट में लास्ट में आता है, अप अप और लेफ्ट, क्या कंट्रोल के साथ। तो अगर मुझे A1 पे मेरा कर्सर है और VBA के थ्रू मैं सबसे लास्ट में जाना चाहता हूं तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे, उसके लिए कोड यहां होगा कि रेंज A1 डॉट एंड एक्सेलेस डाउन डॉट सेलेक्ट, या फिर अगर मान लीजिए कि रेंज A1 नहीं A14 है हमारा, A14 डॉट एंड यहां आप अप डॉट सेलेक्ट, या फिर आप आपके जगह पे लेफ्ट राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपका कर्सर डायरेक्ट जंप करेगा, मतलब कि यहां से जैसे आ रहा है ना मैं जंप करेगा। तो जनरली हम इसका आपका और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो होता है क्या है कभी कभी जैसे कि मुझे एक के नीचे डेटा टाइप करना है तो मुझे सबसे लास्ट सेल में जाना होता है कि इसका लास्ट सेल क्या है, इसका
लास्ट सेल किया है तो जा सकते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर वाला बताया आपको कि यहां पे जो हम ए कंट्रोल ए से दिक्कत जो होता है, इसका इसका सॉल्यूशन इसी में है। तो अगर आपका डेटा हम लोग जनरली सिलेक्ट कैसे करते हैं कि कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और हम राइट एरो यूज करेंगे तो राइट में सिलेक्शन आएगा और डाउन करेंगे तो डाउन में हो जाएगा। तो हमारा एरिया सिलेक्ट हुआ जितना हमारा हेडिंग है, फालतू का एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए कोड क्या होगा? तो इसके लिए कोड हम लिखेंगे कि रेंज रेंज में हमारा A1 स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, और A1 से मैंने बोला कि रेंज एनी पोजीशन जो है हमारा A1 से डॉट एंड XL2 राइट डॉट नहीं राइट और फिर डॉट सेलेक्ट। अब बोलेंगे ये क्या है? मैंने आपको यहां ऊपर वाला मेथड बताया था कि हम स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन समझते हैं। अब मेरा एंडिंग पोजीशन जो है डिफाइन नहीं है, वो ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एज पर डेटा कमता और बढ़ता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स है A1। तो हमने बोला कि A1 इज द स्टार्टिंग पोजीशंस और एंडिंग पोजीशन के लिए मैंने बोला कि रेंज A1 से टू लेफ्ट राइट में चले जाओ, सबसे लास्ट में, समझे? तो ये हमने दो कोड को यहां पे मर्ज किया हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये यहां से इस तरह से सिलेक्शन कर देगा। ये कोड समझ में आया? सलाजी गुड आउट। अब जी नहीं, क्या है कि इसमें एक लाइन नहीं होता, दो लाइन होता है, फिर मुझे नीचे भी तो लाना है। तो उस केस में मैं यहां पे लिखता हूं रेंज सिलेक्शन, सिलेक्टेड एरिया है उसको सिलेक्शन कहा जाता है। सिलेक्शन स्टार्टिंग पोजीशन है और हमने बोला सिलेक्शन डॉट एंड और ये हो गया एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो दोनों कोड अगर इकट्ठा लिखोगे तो आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है सैला जी। बट अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाला ऑप्शन बताया कि इस कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपका कर्सर ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट आ जाता है। एक कब आएगा? जब डेटा में कोई ब्लैंक सेल नहीं होगा। अगर डेटा है, मान लीजिए यहाँ कोई ब्लैंक है, तो ये ऊपर से यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि तो जहां पर सीरीज फिल फिल और ब्लैंक दो सीरीज का कॉलिंग चलता है। अगर ब्लैंक है, जैसे कि यहां पे देखिए, अगर मैंने यहां पे डेटा लिख दिया और मैं यहां से चलता हूं तो ब्लैंक का सीरीज यहां खत्म हुआ तो यहां रुक गया, और फिर यहां से यहां चला फिल का सीरीज, तो फिल और ब्लैंक इस तरह चलता है। तो मैं कैसे लास्ट में आऊं? क्योंकि तो एक कोड तो परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है 2 3 4 5 10 20 ब्लैंक हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे नीचे चले जाते हैं, सबसे लास्ट सेल में, और वहां से हम कंट्रोल को प्रेस करते हुए अप पे आते हैं। तो क्या होता है कि मेरा लास्ट सेल जो है वो लास्ट सेल सिलेक्ट होता है। ठीक है, जी तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे हम? यहां बोलेंगे कि A 65,000। हम यहां पे A 10 लाख जो है ना वो नहीं डाल रहे, क्यों? क्योंकि हमने 10 लाख कर दूंगा तो फिर ये कोड सिर्फ 2013 16 और 7 के वर्कबुक पर चलेगा। 2003 जो डॉट एक्सएलएस होते हैं जिसकी लिमिटेशन 65,000 समथिंग था, उस पर वर्क नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा 65,000 से ज्यादा हो सकता है तो यू कैन चूज कि A 10 लाख समथिंग, जो भी आपका मैक्सिमम रो है वो, ठीक है। बट यहां पे मैं 65,000 ओके चूज कर रहा हूं और यहां पे हम डाउन के जगह पे एक्सल अप करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा।
तो ये जो डेटा है कि मान लीजिए कि मेरा ऊपर नीचे कहीं ब्लैंक हो सकता है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूं? मैं कंट्रोल ए करना नहीं चाहता हूं, बट मेरा डेटा इस तरह से सिलेक्शन हो, क्योंकि तो अगर ब्लैंक हुआ फिर ए वाला मेथड इस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये मेथड जो है हमारा जी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में हम यहां पे एक चीज को फॉलो करेंगे कि मैं यहां पे एक लेता हूं आर, आर इक्वल टू हमने बोला रेंज। अब आर क्या है मैं भी आपको बताता हूं, 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो। तो जैसे कि आप मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो एक्स वाई जेड लेते हैं ना। जैसे आपने बोला कि एक्स इक्वल टू 100, और जहां एक्स की जरूरत पड़ती है वहां पे 100 आप जहां पे 100 की जरूरत पड़ती है वहां एक्स इस्तेमाल करते हो। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स की हम यहाँ पे कोई भी आर एक्स वाई जेड डब्ल्यू नाम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जो होता है टेम्पररी सेविंग लोकेशन होता है, कि अगर वीबीए प्रोग्रामिंग करते समय कोई वैल्यू को मुझे होल्ड करवाना है, कहीं पे स्टोर करवाना है टेम्पररी, तो हम आर का इस तरह का करेक्टर लेते हैं। तो हमने बोला कि एक कॉलम में नीचे से ऊपर आओ, नीचे से ऊपर आओ, और इसका रो नंबर 14 जो है वो 14 यहां पे इसने स्टोर कर लिया। फिर मैं बोलता हूं सी इक्वल टू रेंज एक्स एफ डी 1 डॉट एंड एक्सल 2 लेफ्ट डॉट कॉलम। अब ये क्या है, एक्स एफ डी क्या है? ये हमारा लास्ट कॉलम जो है, जो सबसे लास्ट कॉलम में आते हैं, तो यहां आपका है ना एक्स एफ डी और एक्स एफ डी 1। मैंने बोला कि जैसे कि रो लास्ट रो में आपने गए थे, ऐसे लास्ट कॉलम पे जाओ और यहां से लेफ्ट एरो इस्तेमाल करें और सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ जाए और इसका कॉलम नंबर यहां पता कर ले। तो रो नंबर 14 जो है मुझे आर पे स्टोर करवा दिया गया है, और ये आपका 5 नंबर कॉलम जो है वो हमारा सी पे स्टोर हो गया है। अब देखिए मैं यहां पे इसको सिलेक्ट करने का क्या अपनाऊंगा, रेंज A1 इन द स्टार्टिंग पोजीशंस और एंडिंग पोजीशन में हम यहाँ पे सेल, और सेल में बोलते हैं कि R हमारा रो है और C हमारा कॉलम है डॉट सिलेक्ट। तो R मतलब कि 14 और C मतलब कि 5, तो कर्सर यहां आएगा और यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करेगा। तो R1 C1 में फ्रेंच स्टाइल C भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कोड में कोई डाउट है तो बताइए आप। सर एक क्वेश्चन पूछना है। एक बार सर शीट पे जाएंगे, सर जैसे 31 जहाँ पे लिखा है, अगर वो ही ब्लैंक हो तब कैसे, तब वो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्योंकि क्या हमें फिर 19 से देखना है, ये हेडिंग ब्लैंक नहीं होने अगर चाहिए ना? जनरली डेटा में हेडिंग ब्लैंक थोड़ी होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जहां पे 31 लिखा है वो वाला नंबर बस ब्लैंक है, तो बात को मैं समझ गया, लेकिन ऐसा डेटा जो है हम ना। जब किसी पर्टिकुलर डेटा पे हम जब काम करेंगे तो डेटा का हेडिंग ब्लैंक नहीं होगा। अगर ब्लैंक है तो डेटा आपका गड़बड़ है, तो डेटा गड़बड़ है तो बीवीए क्या करेगा? ऑटोमेशन की भी देख हद होती है ना। जी, मुझे लगा कि वो नंबर के नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हेडिंग पूछ रही थी, वाला बट हाँ ये भी बात है कि आप हमारा हेडिंग जब रूल गई। करते हैं तो उसमें होता है ना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, क्लाइंट नंबर, एड्रेस वेड्रेस, कुछ तो हेडिंग होता है। अगर जिसका जी हेडिंग नहीं है तो जी सर डेटा आपका गड़बड़ है, आप हेडिंग दीजिए उसमें, या फिर आप कंट्रोल ए करंट जी रीजन का इस्तेमाल करें अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। ठीक है। हेलो, हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ। सर अरुण बात कर रहा हूँ, गुड इवनिंग। हाँ, ये जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है सर A1, उसके बाद सेल्स किया है, तो क्या उस सेल्स के जगह रेंज को नहीं ले सकते क्या?
नहीं नहीं देखिए देखिए हमने क्या बताया कि सिलेक्शन करने का जो मेथड है ये है हमारा, समझ गया ना, स्टार्टिंग पोजीशन एंड तो ए हमने रे हमारा जब देखिए सेल जो होता है सेल जो है कैरी शिप करेगा वन सेल को, इसमें मल्टीपल नहीं डाल सकते हम। नहीं नहीं वहां पे नहीं कह रहा हूँ सर, जहाँ पे आपने रो और कॉलम जो वेरिएबल्स पास किया है ना आपने पैरेंथेसिस के अंदर सेल्स, वो मैं कह रहा हूँ कि रेंज A1 सबसे लास्ट में आई है जो अभी वेरिएबल्स के अंदर असाइन करके आपने पास किया है पैरेंथेसिस के, तो ये रेंज A1 के बाद सेल्स यहाँ इसको डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे ऐसे, ये बोल रहे ना आप। जी जी ये सेल्स के जहाँ पे हम रेंज नहीं ले सकते, नहीं नहीं ले सकते क्योंकि हमारे इसका पास क्या कॉन्सेप्ट है, कॉलम नंबर में है और रेंज जो है वो अल्फा न्यूमेरिक एक्सेप्ट करता है। ओके सर, है ना, रेंज एक्सेप्ट करता है अल्फा न्यूमेरिक और मेरे पास क्या है दोनों नंबर में, यहाँ कॉलम का नेम ABCD नहीं दे रहा है, यहाँ पे कॉलम का नंबर 1 2 3 4 5 देगा, समझ गए। जैसे कि आप एक्सेल में ठीक रो का फॉर्मूला आप लाते हैं ना और कॉलम का फॉर्मूला आप लाते हैं, सेम थिंग, सेम थिंग रो एंड कॉलम, ठीक है, थैंक यू। तो दिस इज द सिलेक्शन मेथड कि डेटा को हर एंगल से सिलेक्ट करने का तरीका हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बारी आती सर, एक बात पूछना था। अब बारी आती है डेटा के अंदर वैल्यू पास करने की, किसी पर्टिकुलर सेल पे हम कोई वैल्यू कैसे पास करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे रेंज A1 पे नेम लिखना है सर, सर जो सेल्स है सर, जो सेल्स है आपने रेंज लिया है तो वो R1C1 स्टाइल में काम कर रहा है क्या? हाँ ये तो मैंने इससे पहले कितना बता दिया सर, ये पूछ रहे बता रहे मुझे आप, राइट राइट वही मुझे, हाँ सर हाँ सर। चलिए बादाम खाया कीजिए, मेमोरी बहुत वीक है, 2 मिनट पहले की बात भूल जाते हो आप। अब यहां पे A1 लिखा हमने और डॉट वैल्यू लिखा इक्वल टू हमने किया नहीं, ये क्या करेगा एक्टिव सेल के ऊपर नेम यहां पे नेम टाइप कर देगा, समझे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं रेंज A1 ने B1 कर देता हूं, B1 इक्वल टू रोल, तो वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा तरीका है कि C1 डॉट फॉर्मूला या फॉर्मूला R1C1 बोथ आर द सेम इक्वल टू मार्क्स, तो वैल्यू डालते समय तीनों में कोई फर्क नहीं होता है जो वैल्यू आप मैनुअल टाइप करते हो, लेकिन किसी अनदर सेल वैल्यू से, जैसे मैं चाहता हूं कि H1 की जो 50 है वो D1 पे स्टोर हो जाए, तो यहां पे आपको लिखना होगा कि यहां पे D1 जो वैल्यू रिसीवर होता है वो आपका पहले आता है, डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाए रेंज H1 डॉट वैल्यू। तो अगर H1 के ऊपर में कोई फॉर्मूला भी हुआ, जैसे कि मैंने यहां डाल दिया कि इक्वल 30 प्लस 60, तो 90 यहां पे मैनुअली जो टाइप होता है बेस्ड एज वैल्यू जो होता है उस टाइप का यहां पे डेटा डालेगा, सिर्फ वैल्यू डालेगा उसका फॉर्मूला वगैरह नहीं डालेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला दे दिया तो फिर वो फॉर्मूला भी डालेगा, समझ गए। तो फॉर्मूला और वैल्यू में डिफरेंस यही होता है, तो नॉर्मली टाइपिंग करते समय फॉर्मूला वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होती है, लेकिन किसी अनोदर सेल वैल्यू से अगर डेटा उठाते हो तो डिफरेंस मायने रखती है, समझ गए। अब यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो क्वेश्चन आता है कि एक तो एक्टिव सेल है, अगर मान लीजिए मुझे सीट 1 के
E1 में वैल्यू डालना है। तो दो तरीके हैं कि पहले तो आप यहां पे sheets के अंदर जाएं और यहां पे sheet1 dot select, उसके बाद आप लिखें रेंज e1 dot select या डॉट वैल्यू कर दीजिए, डॉट वैल्यू और इक्वल टू जो डालना चाहते हो डाल दीजिए आप, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू से रेंज h1 की वैल्यू है तो रेंज h1 की वैल्यू अगर आप डालोगे, ठीक है, मेनू ही डालना है, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है तो उस फाइल को भी आप एक्टिवेट करोगे, जैसे कि मैंने मेथड बताया था आपका ये वाला मेथड, उस पर्टिकुलर वर्कबुक को अगर ओपन नहीं है तो आप उसको ओपन करोगे और डालोगे। ये तो ये तरीका है, लेकिन इस तरीके में आप रेंज एच वन की वैल्यू यहां पे नहीं डलवा सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट सीट में और एक बार में कोई एक ही सीट एक्टिवेट हो सकती है। तो अगर आपके पास अनोदर सेल की वैल्यू है और अनदर सेल में डालना है, मतलब एक सीट की वैल्यू दूसरे सीट की वैल्यू में डालना है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं सीट्स और शीट में दे दीजिए आपका sheet1 dot range, डायरेक्ट लिख सकते हो आप रेंज e1 dot value इक्वल टू sheet3 dot range यहां पे h1 dot value। लेकिन अगर कोई अनदर वर्कबुक है तो उस वर्कबुक का पाथ इसके आगे आप जोड़ दोगे। इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां पे बुक वन हो जाएगा या बुक टू जो भी है। लेकिन अगर वर्क थ्री अगर ओपन नहीं है तो आपको उसको ओपन करवाना पड़ेगा इस कोड को लिखने से पहले, समझ गया? तो किसी पे हम वैल्यू कैसे डालेंगे समझ में आ गया? एक्सेल में आप टाइपिंग कैसे करेंगे या किसी और सेल की वैल्यू किसी और सेल की वैल्यू पे कैसे डालेंगे, इट इज क्लियर जी? सर मुझे एक्सेल एंटर और एक्सेल अप का थोड़ा सब प्रॉब्लम। क्या एक्सेल अप और एक्सेल डाउन पे थोड़ा सा डाउट है? मैं बता देता हूँ, चिंता मत कीजिए। अब जैसे कि मुझे जो है सीट थ्री में हूं और मुझे जो टाइम डेटा डालना है वो सबसे लास्ट में डालना है कि मुझे A1 से यहाँ पे सबसे नेक्स्ट ब्लैंक सेल में मुझे डेटा डालना है, इस तरह से समझे, इस तरह से एक इंच एक इंच। यस, तो उस केस में क्या करेंगे, वो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि रेंज a1 dot and xls down dot value नहीं down, तो xls down तक क्या होगा कि कर्सर ऊपर से नीचे यहां आ जाएगा, मुझे इसकी नेक्स्ट सेल में चाहिए ब्लैंक सेल, तो उसके लिए आपको ऑफसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ऑफसेट 1, 0, 1 row and 0 column dot value इक्वल टू आपको वैल्यू डाल दीजिए, समझे? हाँ, कि ये ऊपर से नीचे नेक्स्ट सेल में आके इसमें वैल्यू डाल देगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो फिर वो नीचे से यहां सीधा आएगा और यहीं पे नंबर डाल देगा, गलत है, यहां नंबर डालना चाहिए, गलत है। हाँ, तो उस केस में आप लिखेंगे कि रेंज a 65,000 या 10 lakh dot and xl up। ये क्या करेगा कि नीचे 65,000 पे जाके और वहां से कंट्रोल के साथ पेज इसको एरो अप को अप एरो को प्रेस करेगा और कर्सर यहां ला देगा। इससे फायदा क्या हुआ कि इसके ऊपर कितना भी ब्लैंक कोई क्यों ना हो उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और फिर इसमें हम डॉट ऑफसेट डालेंगे और यहां पे हम डालेंगे 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एनी वैल्यू, राइट? दोनों एक ही है ना सर, दोनों एक टाइप के काम करेंगे, एक ही टाइप के काम करेगा, बट अलग अलग मेथड है, सिचुएशन अलग है। नीचे वाला जो है परफेक्ट है, ऊपर वाले में एरर के चांसेस है, ठीक है? अब ये सारे कोड मैं आपको भेज रहा हूं और आज की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको मेगा ड्राइव में डाल दूंगा और जो है आप उसको देख लीजिएगा। कल हम आपको ये जो आपको मैंने एन वाला मेथड समझाया है इसी मेथड पे एक प्रोजेक्ट करूंगा सर, ठीक है? ठीक है सर, एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ तो मैंने पिछले क्लास वाली सीट भी नहीं ली सर। क्या सर? पिछले क्लास के भी सीट शेयर नहीं हुआ सर, उसके कोड तो भेज दिया था मैंने आपको, मेल में तो नहीं आया सर, तो कुछ है ही नहीं, डेटा कुछ है ही नहीं, मेन इंपॉर्टेंट कोड होता है ना, कोड दे दिया मैंने आपको, रिसीट पे डाल लीजिए आप, ठीक है? ये जो कोड है, एक कोड मेन होती है ना, एक कोड मैंने आपको भेज दिया, वो कहीं भी अप्लाई कर ले, सीट तभी मिलेगी ना आपको जब प्रोजेक्ट कोई करेंगे तो कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। अब कल की सीट मिलेगी, कल हम एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है? और हाँ, आप लोग अपने अपने ईमेल आईडी दीजिए ना, थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा सा दिक्कत है ईमेल आईडी का, मैं कंफ्यूज हूं, किसी का नाम और किसी की ईमेल आईडी डाल रखा होगा, तो मैं एक बार मैच कर लूंगा, चैट पे दीजिए अपने अपने ईमेल आईडी।